हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज तीन ताज़ा धमाकेदार धमाकेदार तो नहीं कहूँगा लेकिन तीन ताज़ा खबरें आई हैं इंडियन फुटबॉल से जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और हाँ उसमें से जो एक खबर है वो ऑब्वियसली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है काफ़ी बुरी खबर है जो मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा लेकिन बाकी जो दो खबरें हैं ना वो आपका इंटरप्रिटेशन है आप मुझे कमेंट करके बाद में ज़रूर बताना कि वो खबरें आपको बुरी लगी या अच्छी तो लेट्स स्टार्ट विथ द एम्बिग्यूस वन उसके बाद मैं आपको बुरी खबर बताता हूँ और उसके बाद आपको एक और एम्बिग्यूस खबर बताऊँगा सबसे पहली नॉर्थ सिटी जो कि इंग्लैंड के चैंपियनशिप में खेलता है मतलब कि इंग्लैंड की जो सेकेंड डिविजन है आफ्टर द प्रीमियर लीग उनके बीच में और जो प्रीमियर लीग में भी ऑब्वियसली काफ़ी साल से काफ़ी साल खेले हुए हैं द लास्ट टाइम दैट दे फिनिश्ड इन द बेस्ट फिनिश इन द प्रीमियर लीग लास्ट वॉज इन दाइनटी टू नाइनटी थ्री सीजन जहां पे वो थर्ड फिनिश किए थे तो मतलब कि दे आर ऑब्वियसली नॉट वन ऑफ द टॉप टीम्स इन इंग्लैंड लेकिन प्रीमियर लीग में उनका आना जाना रहता है एंड इस सीजन भी इनफैक्ट चैंपियनशिप में वो सिक्स है तो मतलब कि अगले सीजन प्रीमियर लीग में शायद वो खेल भी पाए लेकिन उनकी पार्टनरशिप हुई है विथ आई एस एल क्लब चेन्नाई ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जहां पर के आ, एक तरह का गिव एंड टेक होता है क्लब्स के बीच में अब पहली बात तो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप ये पहली बार देखने को नहीं मिल रही है इंडियन फुटबॉल में हमने पहले भी देखा हुआ है अगर आपको याद हो कोलकाता का जो पहला क्लब था आईएसएल में खेलने के लिए उसका नाम था क्योंकि उसके बाद दो तीन बार नाम चेंज हो चुका है आई एम सॉरी मोहन बगान फैन्स लेकिन चलो ये तो मोहन बगान के काफ़ी पहले की बात है बिफोर मोहन बगान तो मोर्जर ए टी के साथ दो हज़ार बीस में हुआ लेकिन उसके पहले जो क्लब था छः साल के लिए वो कौन सा था इट वॉज ए टी के राइट एथलेटिक ओ दे कोलकाता विच वॉज अ पार्टनरशिप विथ एथलेटिक ओ मड्रिड उसके बाद ऑब्वियसली ए टी के साथ मोहन बगान का मर्जर हुआ सो इट वॉज कॉल्ड ए टी के मोहन बगान इस सीजन से ऑफकोर्स दे आर मोहन बगान सुपर जाएं अगर आईली की हम बात करें इंटर काशी जो कि नई टीम है वाराणसी से इस सीजन आई लीग में खेल रहे हैं वो भी एक्चुअली दे आर इन अ पार्टनरशिप विथ थ्री यूरोपियन क्लब्स एथलेटिको मडर बिंग वन ऑफ देम इंटर एस्काल अदर एंड देन देर ऑल्सो एफ सी एंड डोरा इन तीनों क्लब्स के साथ उनकी पार्टनरशिप है सो so, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सीन है ना यार इसमें ये कोई नई बात हम नहीं देख रहे इंडियन फुटबॉल में ये पहले भी हो चुका है अब बात करते हैं कि नॉरिज सिटी और चेन्नई इनके बीच में क्या डील हुई है नॉरिज uh, के लिए ऑब्वियसली सी द बिगर ऑफ द टू क्लब्स इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ सक्सेस आई आई एम नॉट श्योर अबाउट मनी बिकॉज वेल द आई एस एल ऑल्सो हैज डीप पॉकेट्स लेकिन सर्टनली विथ विथ पॉपुलैरिटी एंड स्टफ लाइक दैट अराउंड द ग्लोब नॉरिच इज़ अज अ मोर नोन क्लब और ये जो क्लब्स हैं एथलेटिक ओ मड्रिड हो गए नॉरिच हो गए बाकी भी जो क्लब्स हैं जो शायद इंडिया जैसे मार्किट्स में जो अपनी एक स्पेस बनाना चाहते हैं उनका प्राइमरी गोल यही है उनकी विजिबिलिटी बढ़े अनटैप्ड मतलब जिन जो ऐसे मार्किट्स में जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो उनका भी फ्यूचर में उससे फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है सो ऑबली दे वॉन्ट टू यू नो डिप दे फीट इन टू अन टैप्ड और अनडिप्ड वॉटर्स विच इज वाई नॉरेच आर डूइंग दिस विच इज वाई एनी बिग क्लब इज गोइंग टू हैव अ स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप विदेलेटिवली स्मॉलर क्लब इन नॉट जस्ट नेली इन टर्म्स ऑफ द साइज बट इन टर्म्स ऑफ वॉट लीग दे आर प्लेइंग इन ठीक है अब अब चेन्नाइन का इसमें लेकिन क्या फायदा है कि ऐसा हो सकता है एज पार्ट ऑफ दिस डील के नॉरेच अगर नॉरेच के कुछ प्लेयर्स हैं इफ दे अग्री तो शायद वो अगले सीजन ऑन लोन चेन्नाइन में खेल सकते हैं तो मतलब के नॉर्थ सिटी के जो कुछ प्लेयर्स हैं अभी जो चैंपियनशिप में खेल रहे हैं वी माइट गेट अ चांस टू सी देम इन दी आई एस एल ऑल्सो नेक्स्ट सीजन ऐसा हो सकता है वो ऑब्वियसली जो टॉप प्लेयर्स है सर्टनली इफ दे मेक इट टू द प्रेमियर लीग तो जो उनके यू नो फर्स्ट एलेवन है दे दे आर ऑब्वियसली यू नो नॉट ग्ले इन द आई एस एल प्रेमियर लीग को छोड़ के बिकॉज ऑब्वियसली प्लेयर की अग्रीमेंट भी इसमें जरूरी होती है लेकिन काफ़ी सारे यू नो वेरी गुड प्लेयर्स एट नॉरेच माइट हैव दे माइट बी सीन ऑन लोन हियर इन दी आई एस एल ऐसा हो सकता है एडिशनली कुछ शायद प्री सीजन के में मैच कुछ शायद अरेंज हो जाए बिटवीन नॉरेच एंड चेन्नाईन दैट इज अ पॉसिबिलिटी चेन्नाईन की जो जो यूथ टीम है उनको शायद इससे फ़ायदा हो सकता है दैट दे माइट हैव लाइक यू नो लाइक एक्सचेंज प्रोग्राम्स एट्सट्रा विथ नॉर्थ सिटी सो एक्सपोजर वाइज एक तरह से चेन्नाइन का फ़ायदा है इसमें uh, जो उनको एक टेक्निकल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है नॉरेच की या जो एक्सपीरियंस है नॉरेच का uh, वहाँ पर डेफिनेटली मतलब उनको एक्सपोजर वाइज फ़ायदा हो सकता है प्लेयर्स को और क्लब को इन जनरल सो so, ये पार्टनरशिप अभी हो रही है आप मुझे बताओ बिकॉज मैंने अभी कहा और आपको शायद ये पता भी होगा दैट इज इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इन इंडियन फुटबॉल दैट ऐसी पार्टनरशिप हमें एक देखने को मिल रही है तो आपका क्या टेक है इस पर डू यू सी इट एज अ गुड थिंग और एज अ बैड थिंग और एज समथिंग दैट हैज बिन डन बिफोर इट विल बी डन अगेन इट्स नॉट रियली मेड अ बिग डिफरेंस इन द पास्ट इन टर्म्स ऑफ यू नो सर्टनी हेल्पिंग इंडिया और द इंडियन क्लब गेट एनी वेयर विथ इड तो यू थिंक दैट मे बी दिस इज़ जस्ट अनदर वन ऑफ दोज कहने को बोलते हैं दैट मार्केटिंग गिमिक नहीं है बट हो सकता है कि इट्स जस्ट अ मार्केटिंग में तो आपका क्या आपके क्या थॉट्स सेट भी क्यूरिस्ट यूनोल मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि डेफिनेटली एक बुरी खबर है एंड लेट मीज एज सेट द वे इट इज इंडिया फीफा रैंकिंग्स में हैज ड्रॉप टू वन ट्वेंटी फर्स्ट अब हमारी जो वर्स्ट रैंकिंग है वो वन ट्वेंटी वन नहीं है हमारी वर्स्ट रैंकिंग है वन सेवेंटी थ्री अरे मेरे ख्याल से दुनिया में कंट्रीज कितने हैं शायद रॉन्ग जैसे I mean, लगता है कहीं पर पढ़ा था कहीं सुना एक्चुअली आर एफिलिटेड विद फीफा अराउंड तो मतलब हमारी वर्स्ट रैंकिंग वन सेवेंटी थ्री उस हिसाब से वन ट्वेंटी साउंड दैट बैट बट लेट्स नॉट फर्गेट दैट फुटबॉल में ना यार मतलब इट्स इन सेम हाउ फास्ट पेस्ड दिस गेम इज ओवरनाइट चीजें बदल जाती है यार मतलब ओवरनाइट नहीं लेकिन इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक ओवरनाइट चीजें बदल जाती है बिकॉज नॉट वेरी लॉन्ग अगो वी हैड एक्चुअली ब्रोकन इनटू द टॉप हंड्रेड व्हाई बिकॉज वी हैड अ फैंटास्टिक 2023 वी वन द ट्राई नेशन सीरीज वी वन द इंटर कॉन्टिनेंटल क्लब कप वी वी वन द सैफ कप उसके बाद कुएत को भी हराया वर्ल्ड कप क्वालिफायर फर्स्ट वर्ल्ड कप क्वालीफायर में तो उन रिजल्ट की वजह से वी ब्रोक इन द टॉप हंड्रेड नाइनटी आ गए थे हम अब एशियन कप में उसके बाद जो हुआ जहाँ पे हम तीनों मैचेस हारे उसके बाद हम ड्रॉप हो गए हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड और अब रिसेंटली आफ्टर द टू यू नो एक्चुअली इट्स वन ड्रॉ एंड वन डिफीट अगेंस्ट अफगानिस्तान बट ऑलमोस्ट फील्स लाइक टू डिफीट्स बिकॉज ऑफ द वे वी प्लेड उस रिजल्ट के बाद तो उन रिजल्ट के बाद अब हम ड्रॉप कर चुके हैं टू वन ट्वेंटी वन विच इज अ रियल शेम यार मतलब uh, तो कहने की बात नहीं रही ना सिर्फ कि इंडियन फुटबॉल कीप्स ड्रॉपिंग टू न्यू लोज एवरी डे ये ऑन पेपर हमें दिख रहा है यार ऑन पेपर हमें दिख रहा है दैट इंडियन फुटबॉल इज़ एक्चुअली ड्रॉपिंग टू न्यू लोज एवरी डे बट ऑबियसली जैसे मैंने कहा फुटबॉल में चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती है तो हो सकता है कि अगर हम आने वाले क्वालिफायर्स में अगर अच्छा करे कुएत और कतर के अगर स्पीकर विन अगेंस्ट कुएत एंड सेप आई डेयर्स योर ड्रॉ अगेंस्ट कतर ऑल्सो तो हो सकता है कि ये रैंक इज ऑब्वियसली टॉप हंड्रेड में शायद हम इमीजिएटली ना ब्रेक कर ले, लेकिन अगेन वी माइट uh, you know get to a slightly better place than 121 maybe around you know 105 एंड फाइव सिक्स ऐसा कुछ not that that दैट डैट मीन्स एनी थिंग बट सर्टनली ड्रॉपिंग टू वन ट्वेंटी फर्स्ट यार ये खबर इट्स वेरी अनवॉन्टेड तो ये जो दूसरी खबर है आपको पता है ऑब्वियसली इट्स 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 बैड न्यूज इफ़ इट्स नॉट बैड न्यूज टू यू देन वेल योर प्रोबली नॉट इंडियन विच इज़ वेरी अनलाइकली देट आपको हिंदी समझ आ रही है आप देख रहे हो इस चैनल को तो ऑब्वियसली आपको बुरा लग ही रहा है कि हम वन ट्वेंटी ड्रॉप कर चुके हैं और जो थर्ड न्यूज़ है वो आप डेफिनेटली मुझे बताइए आपको अच्छी खबर लग रही है या बुरी खबर लग रही है तो देखिए मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था दैट एक कमेटी को एक uh, कमेटी बिठाई गई है टू डिस्कस स्टी, स्टी मैच फ्यूचर विथ स्टी मैच एंड यू नो अमंग्स द कमेटी ऑल्सो टू डिसाइड के भाई आगे क्या करना है बिकॉज अफगानिस्तान के मैचेस के बाद जो हुआ ऑब्वियसली कॉल्स फॉर फॉर्स्टी मैच आउट ये वो सब कुछ चल रहा है तो दे वॉज अ डिसीजन टू बी मेड कि भाई रखना है या नहीं रखना है क्या सीन है सो so,

ठीक है और मैंने रिसेंटली भी कहा है कि अगर मैं थर्ड राउंड तक नहीं लेके नहीं गया तो मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगा तो ही सेट दैट उसके चलते फिलहाल इंडिया ग्रुप में सेकेंड है एंड अगर कुवत के अगेंस्ट जून सिक्स को ही सेट दैट देर इज दिस इज प्रॉब्ली गोइंग टूट दिस कुड बी अ हिस्टोरिक डे फॉर इंडियन फुटबॉल तो मतलब कि अगर हम कुैत के अगेंस्ट जीत गए तो इट पुट्स अस इन अ ग्रेट पोजिशन राइट टू एक्चुअली क्वालिफाई फॉर द थर्ड राउंड सो ही सेट दैट अगर मैंने कहा था कि टॉप टू क्वालिफाई कर जाएंगे थर्ड राउंड के लिए और अभी फिलहाल तो हम टॉप टू में हैं तो मतलब कि इंडिया का चांस अभी भी है तो टेक्निकली यू कान डिसग्री विद यू मैच इट इज करेक्ट बट यार जो दो मैच है ना आसान नहीं होने वाले ठीक है तो आप मेरे को बताइए आप क्या क्या खुश हो इस बारे में कि स्टी मैच इज स्टेइंग या आप दुखी हो एंड यू आर होपिंग दैट यू नो समथिंग चेंजेस एंड यू नो वी रियली नीड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द डाउट तो so, आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो